स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। दोस्तों, भारतीय टीम इस दौरे पर 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। दोस्तों, भारतीय टीम 27 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेलेगी। दोस्तों, भारतीय टीम इस बार काफ़ी मजबूत दिख रही है और भारतीय टीम के पास कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, KL राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। दोस्तों, जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होती है तो भारत के कुछ बल्लेबाज काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों, ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं उन 3 बल्लेबाजों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। अगर आप भारत क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, पहले बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 71 मैचों में 3070 रन बनाए हैं। दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। दोस्तों, रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना काफ़ी पसंद है। दोस्तों, उनका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद ही बढ़िया रहता है। दोस्तों, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 40 मैचों में 2208 रन बनाए हैं और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। दोस्तों, विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 40 मैचों में 1910 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक और 8 ही अर्धशतक लगाए हैं। तो दोस्तों, आपके अनुसार विराट कोहली इस साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन करेंगे? अपनी राय हमें जरूर दें। और क्या रोहित शर्मा को वनडे टीम में लिए जाने चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।